हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से रूट 9.5 या रूट 9.3 या रूट 6.3 या रूट 3.5 इन सारे टाइप के नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नो डाउट वी नो दैट कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, इनका डायरेक्टली रूट अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं लॉन्ग डिविजन से सॉल्व करके देखूं तो मुझे मिलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग है। ऑब्वियसली ये इरेशनल नंबर्स हैं, बट कैसे करेंगे रूट 9.3 को रिप्रेजेंट हम नंबर लाइन पे, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बने रहिएगा एंड तक, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी सा टॉपिक है और मैं एक वीडियो में आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अच्छे से समझिएगा। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करें ऑन द नंबर लाइन, ये पहला वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा सारे स्टेप्स कि आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या होंगे, आपको कैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद वाला वीडियो है इसका जस्टिफिकेशन, तो आप पहले इस वीडियो को पूरा समझिए, फिर हम करेंगे जस्टिफिकेशन वाला वीडियो। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि यहां जो स्टेप्स लिखे या यहां जो मैंने स्टेप्स आपको कहा है याद रखें, कैसे आप सीखेंगे कि ये कैसे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक के साथ। शुरुआत में तो मुझे रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन। अच्छे से समझिएगा, सबसे पहले आप ले लीजिए जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9.3, तो एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी है, सबसे पहले ड्रॉ करनी है, और उसको हम नाम दे देंगे ए बी। लेट ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर रूट 9.3 लिखा है ना? हाँ जी, रूट 9.3 लिखा और ये पहला स्टेप है, हम 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करके शुरू कर रहे हैं। तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई 9.3 सेंटीमीटर्स। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ करनी है, उसको नाम दे देना है बी सी। अब अच्छे से समझिए, सबसे पहले आपने ड्रॉ किया ए बी जो है रूट 9.3 के हिसाब से 9.3, और एक 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने ऐड कर दी। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, वेट करिए, इसमें आप सीखिए कि क्या स्टेप्स है बनाने के। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है ये, कि क्यों 1 सेंटीमीटर लिया मैंने। इट्स ऑल कैलकुलेटेड, सो डोंट वरी, पहले ये देख लो अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढने के लिए ए से आप एक आर्क लगाओगे और आप एक आर्क लगाओगे सी के थ्रू। एक आर्क आपने लगाया ए से और एक आर्क आपने लगाया सी से, और आपको मिल जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इस लाइन का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, कुछ भी चीज ड्रॉ किया हुआ आपको मिटाना नहीं है रबर यूज करके, कुछ भी चीज ड्रॉ किया हुआ आपको रबर यूज करके मिटाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे रूट 9.3 था तो मैंने 9.3 ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया, 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, और इस पूरी लाइन का ए से लेके सी तक का मिड पॉइंट ढूंढ लिया। किसी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना हो तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा डी। डी रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ द लाइन, किसी लाइन का सेंटर। अच्छा, अगर मैं ए से लेके डी तक अपने राउंडर पे ले लूं या कंपास पे ले लूं, तो मैं ए से लेके डी तक को रेडियस अज्यूम करता हूं। यहां से एक सेमी सर्कल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कहां से कहां तक ए से लेके डी पूरा सी तक का एक सेमी सर्कल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, जिसका रेडियस हो जाएगा ए से डी तक का। सो टेकिंग ए डी एज रेडियस, आप क्या कर रहे हो, टेकिंग ए डी एज रेडियस एंड डी एज सेंटर ऑफ द सर्कल, आप ड्रॉ कर रहे हो एक सेमी सर्कल। आपने क्या ड्रॉ किया, एक सेमी सर्कल। अब सुनिए, अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये बी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, और इस परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ है वो सीधा मिल जाएगी आपको रूट 9.3, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन, और आपका सम खत्म। ये थे सारे स्टेप्स कि किस तरीके से आप रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन ढूंढ सकते हो। अब सुनिए, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हुआ, ये क्या किया, ये कैसे हुआ, ये कैसे रूट 9.3 आया। हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको इसी का खुलासा करूंगा कि ये रूट 9.3 एक्चुअली में क्यों है। दैट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ यू नो
कैलकुलेशंस और एन एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। एक बार मैं इसे फिर से समराइज कर देता हूँ। रूट 9.3 रिप्रेजेंट करना, आप पहले 9.3 से शुरुआत कीजिए, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लीजिए, पूरी ए से लेके सी तक की लाइन को आप मिड पॉइंट बनाइए, मिड पॉइंट ढूंढिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। उसके बाद बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये इस आर्क को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा तो बी से लेके ई वाला जो पॉइंट है, तो जो बी से लेके ई तक पॉइंट है बी ई, इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी रूट 9.3। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटिंग रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अगर आपको रूट 3.5, रूट 5.3 कुछ भी दिया है, ये सेम स्टेप कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, स्टूडेंट्स, अपने जितने भी कलीग्स हैं उन सबके साथ। आई होप एंड आई डू नो कि आप बच्चे हैं जो मेरे वीडियो को देखेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके उतना ज़्यादा। लाइक कीजिए इसको अगर आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से रोज़ नए वीडियोज़ लेकर आता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जान पाएंगे कि कब मैंने नया वीडियो अपलोड किया है। एंड डू नॉट यू नो फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, वो तो कर ही दीजिएगा प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी रितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए मैथमेटिकल ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू।